खबर है जहां 25 से ज्यादा गांव में टिड्डी दल ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मुख्य रूप से नरमा, कपास और बाजरे की फसल को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने अपने स्तर पर अपने खेतों को बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, जिसके चलते किसान मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे में किसानों ने 25 जून को उपखंड अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत करवाने की बात कही है। तो टिड्डियों का आतंक लगातार नजर आ रहा है। किसान अपने लेवल पे कोशिश जरूर कर रहे हैं कि टिड्डियों के आतंक को कम किया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगामी 25 जून को एसडीएम को अपनी पीड़ा बताएंगे किसान। तो पहले कोरोना की मार, अब टिड्डियों की मार किसानों पर पड़ रही है। टिड्डियों का आतंक इस प्रकार से कि पूरे आसमान में टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन का सहयोग है वो इन किसानों को नहीं मिल रहा है। हालांकि जब कोरोना काल चल रहा था तो बड़ी संख्या में किसानों ने अपने अन्नों के भंडार खोल दिए थे और बड़ी तादाद में किसानों ने प्रशासन का सहयोग किया था, लेकिन अब वही प्रशासन है वो किसानों का सहयोग नहीं कर रहा। इस प्रकार के आरोप है वो प्रशासन के ऊपर स्थानीय किसान लगा रहे हैं। यहाँ पे किसानों की जो फसल है उसको टिड्डियों ने एकदम से चौपट कर दिया। नरमे की फसल को तो जड़ से टिड्डियों ने खा लिया, जिसके चलते किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस समय हमारे साथ कुछ किसानों से बात कर लेते हैं, किस प्रकार की परेशानी आपके सामने आ रही है। परेशानी साहब क्या बताया, आपको देख लो, परेशानी तो आपको दिख रही है। मारो नर्मो जी तो है जो सारा नष्ट हो गया, खेती जी करीबी नहीं करीबी खेती सारी नष्ट मानो। कोई बाकी छोटी मूंगफली है बाबन चाहिए, बाकी मूंगफली भी खच गई। तीन दिन हुए, तीन दिनों तो भारी मतलब बड़ा नुकसान हुए है, जो कोई अनाज को नहीं। एक आदमी कम से कम प्रति बीघे को 3000 रुपया खर्च हो गया, तो कोई खर्चे कोई समाधान होने वाला विचार कोई नहीं। प्रशासन ने किस प्रकार से कोई समस्या कोई प्रशासन तो रात आए, एक तहसीलदार पटवारी आया बताया रातों रात ही भाज गया, 5 लीटर या 3 लीटर दवाई दिन ही बताया भाई। कोई सरपंच क्या मैं वापिस कर दी दिन या नहीं दिन, मैं तो खेत में हो मेरे को भरो नहीं है, समस्या आई है। कोई संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है, किस प्रकार की समस्या है, क्या कुछ मांगे सरकार से? प्रशासन को ये कहना है मतलब ये 2-4 लीटर आप भेज रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। 15-20 किलोमीटर तक लंबा मतलब ये दल है टिड्डी का, इससे कुछ नहीं। प्रशासन ने ये मतलब खर्चा बेकार में नहीं करी, या तो ड्रोन से या मैं हेलीकॉप्टर से इसका मतलब समस्या का निवारण हो सकता है, और कुछ भी नहीं है। कितना नुकसान हुआ आपका? सब मतलब 90% नुकसान हो गया, नरमे की फसल बिल्कुल खा गए। तो ये वही किसान है, जब कोरोना काल चल रहा था तो किसानों ने अपने अन्नों के भंडार खो दिए, लेकिन अब वही किसानों की जो समस्या है वो बनी हुई, लेकिन प्रशासन है वो उनकी और विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते किसानों की फसल है वो लगातार चौपट हो रही है। टिड्डियों का आतंक कुछ ऐसा है कि पूरे आसमान में टिड्डियां नजर आ रहे हैं, और वही किसान है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार शहर से फर्स्ट इंडिया के लिए गजेंद्र सिंह।